द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। ये वक्त चुनाव का है, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता विचारों से लैस होकर जनता के बीच जाएंगे और जनता से कमल के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। एमपी और महाकौशल में फिर जनता का आशीर्वाद कमल को ही मिलेगा, ये बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है। दरअसल वो जबलपुर में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। साथ ही एक विशाल रोड शो में भी वो शामिल हुए। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन बीती रात जबलपुर में हुआ और वहां आयोजित किए गए सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वे बहुत पहले जबलपुर आना चाहते थे, लेकिन कोरोना के चलते उनका प्रवास नहीं हो सका। साथ ही बोले कि ये स्वागत किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उस विचारधारा का है जिसके लिए चार चार पीढ़ियों ने अपना जीवन समर्पित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा डुमना एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए रवाना हुए थे। आज के स्वागत कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भैया मोबाइल सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री विष्णु जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और ग्रामीण जिला के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सब लोगों ने जिस गर्म जोशी के साथ मेरा स्वागत किया है और आपने जिस भावना के साथ मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं आपको पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, ये स्वागत कोई व्यक्ति का स्वागत नहीं है, यह जिस विचारधारा के लिए आप सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं उसके मूर्त रूप में एक संगठन के अध्यक्ष के रूप में मुझे भी कार्य करने का मौका मिला है। आपने उस विचारधारा का स्वागत किया है जिसके लिए चार चार पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का यह यशस्वी स्थान बना है। मैं आपके प्यार को संजो करके चलता हूं। शिवराज जी और हमारे वीडी शर्मा जी दोनों ने सुबह से मेरा इतना कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाया कि हम कोशिश करते रहे कि समय पर पहुंचे, लेकिन जगह जगह पर लोगों ने इतना स्वागत किया कि मैं भाव विभोर भी हुआ और समय की मर्यादा भी नहीं रख पाया। आप लोग, मुझे बताया गया कि 3 बजे के आए हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग मेरे स्वागत के लिए लगे हैं। देरी से आया इसके लिए क्षमा, लेकिन आपके साथ 2 दिन जम के रहने वाला हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से बातचीत हो। मुझे बहुत पहले आना था लेकिन कोरोना के कारण आप सबको मालूम है कि लंबे समय तक हमारा प्रवास रुक गया और जब भी जाता हूँ तो प्रवास में फिर आप लोग बहुत नजदीक आकर के मिलते हैं और फिर आपको कोई तकलीफ हो तो वह हम चाहते नहीं थे, इसलिए कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करता हुआ देर हुई आने में, लेकिन आपने जिस तरीके से स्वागत किया है वो बताता है कि आपने मुझे माफ कर दिया है देर से आने से। तो मित्रों, पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। अभी चुनाव की घोषणा हो गई है और जिस तरीके से फौजी सज करके मैदान से जैसे ही लड़ाई की घोषणा होती है वैसे होता है, तो आप सब भी पार्टी के कार्यकर्ता विचारों से लैस होकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और महाकौशल की और मध्य प्रदेश की फिर से एक बार कमल के निशान को आशीर्वाद दिलाने में आप सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।
जबलपुर से हरीश दुबे, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।